हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट की अगर प्राइमरी अपर प्राइमरी की बात करें तो प्रतिवर्ष यहाँ से मिलाकर 30 से 35 प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। माने अगर 30 से 35 प्रश्न अगर आपके प्रतिवर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पूरे के पूरे अंक मिले, इस वीडियो को अंत तक जरूर बनी रहेगा। ये सीटेट का दादा वीडियो है, जो एक ही वीडियो में एक एक लेक्चर में आपके उस प्रश्नों की सीरीज को कवर किया जाएगा जहां प्रतिवर्ष परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी तक आपके पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में जब भी जुड़िएगा, वीडियो को पहले लाइक करिएगा, फिर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इलनी विद दुर्गेश का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमारा फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश भी पर यह वीडियो उपलब्ध होगा। क्लास खत्म होने के बाद यह पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं उसका लिंक दे दूंगा। संपूर्ण राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो है उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। आइए कुछ कुछ इससे मिली जुली बातें करते हैं। पहले राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनसीएफ 2005। क्या कहते हैं हम लोग, शायद आपको पता होगा ये एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है, एक पहला प्रश्न आपके मन में बनेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। अब यहाँ से आपका पहला आएगा किसका परिचय क्या होगा। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 यह प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति के आधार पर इसे लाया गया था, जिसका उद्देश्य था लर्निंग विदाउट बर्डन। जिसका उद्देश्य क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। आइए इसके बारे में और अन्य जानकारी लेते हैं, क्रम से बढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की परिचय क्या है, एनसीएफ 2005 का परिचय क्या है। उन परिचय को पढ़ने के बाद एक एक करके तथ्यों पर आगे बढ़ेंगे। वीडियो लंबी होगी बेशक, लेकिन आपके अंक सबसे ज्यादा है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहेगा। सभी विषयों के शिक्षण में इसका प्रयोग होता है, एनसीएफ 2005 का, चाहे प्राइमरी की बात करें चाहे अपर प्राइमरी की बात करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके आगे की कहानी, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का। अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 का परिचय। जब एनसीएफ 2005 का परिचय की बात हमारे मन में आती है तो एक बात हमारे सामने ये जन्म लेता है कि इसे किसकी अध्यक्षता में आया, तो ये पहला प्रश्न बनेगा यशपाल प्रोफेसर। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो प्रोफेसर यशपाल की समिति गठित की गई। उन्होंने जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का गठन किया, इसमें पहला जो है वो ये कहता है लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग, ऐसे भी हमारे चैनल का नाम भी आपको पता ही होगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, तो लर्निंग विदाउट बर्डन। माने यहां पर इसका मतलब देखा जाए तो शिक्षा बिना बोझ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिक्षा बिना बोझ के, ये सीटेट का पूछा प्रश्न है, बिना बोझ के। तो ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है, आपका कोटेशन भी कह सकते हैं कि शिक्षा बिना बोझ के। यह एनसीएफ 2005 का सबसे बड़ा सूत्र था, माने शिक्षा बिना बोझ के पाठ्यक्रमों और पाठ्य पुस्तकों की जो रूपरेखा में एक विशेष परिवर्तन लाने की एक सिफारिश, जो समाज में जो मानसिकता था उसमें बदलाव लाना था कि बच्चों के उग्र रूप को न बनकर उनके ऊपर दबाव न डाले, उनके ऊपर किताबों का बोझ न रखा जाए। माने जो अध्यापक थे, जो शिक्षक थे, बच्चों के रचनात्मक स्वभाव के सदुपयोग का माध्यम बनाने के लिए इसकी शुरुआत करें। ऐसे 2005 ने सिफारिश की कि स्कूली पाठचर्या और परीक्षा व्यवस्था दोनों में बच्चों की बहुत सी जानकारी रटने वाली होती है, उन्हें इसे उगलवाने के लिए, उसे सुनने के लिए उन्हें विवश करती है, जिनकी मूलभूत के परिवर्तन किया जाए। माने उन्हें बोझ न दिया जाए, माने उन्हें आसानी को रट कर सुनाए, याद करे, कंठस्थ करे, किताबी बोझ, ज्ञान का बोझ और अन्य प्रकार की बोझों से उन्हें मुक्त करना था। मतलब मोटी मोटी पाठ्य पुस्तक, उनमें शामिल पाठ्यक्रम बच्चों के केंद्र में रखकर उन्हें संबोधित करने की व्यवस्था जो थी, ये उसका असफलता का प्रतीक था। माने बच्चों के लिए मोटी मोटी किताबें कैसी थी, मोटी मोटी हों किताबें हो, याद करने का बोझ हो, उसके बाद बच्चों को केंद्र में रखकर उन्हें उनकी सफलता को संबोधित करना हो, तो इस सब को चूंकि
किताबें लिखने वाले इस प्रचलित धारणा से प्रेरित होते हैं कि दुनिया में जानकारी का विस्फोट हुआ, तो दूसरे देशों को कदम मिलाकर चलने के लिए भारत ने भी समुची जानकारी विशाल राशि हमारे छोटे बच्चों को गले में ठूस दी। अब उनको लगा कि बच्चों के गले में शिक्षा का ही ठूस दिया जाए, उसके लिए उन्होंने क्या की, किताबें मोटी मोटी बनाई, ज्ञान रूपी प्रकाश उज्ज्वल करना शुरू किया। लेकिन वह ये भूल गए कि बच्चे एक निर्धारित खुराक होते हैं। तो हमने देखा कि इसका जो सबसे मूल उद्देश्य आया वो क्या क्या था, कि इसका कारण क्या क्या निकला। इसका कारण निकला कि स्कूल किन शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, माने स्कूल जो है वो किन शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करें, इन उद्देश्यों के लिए कौन से शैक्षिक अनुभव कारगर हों, ये शैक्षिक अनुभव किस प्रकार सार्थक रूप से नियोजित किए जा सकते हैं, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं ये शैक्षिक उद्देश्य वाकई पूरे हों। इन सब को ध्यान में रखकर एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रादुर्भाव होता है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस समस्या के विश्लेषण के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसने उसके विश्लेषण के बाद ये पाया कि समस्या को जड़ में व्यवस्था की वह प्रवृत्ति है जो सूचना को ज्ञान समझती है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मनोहर ने यह कहा कि जो सूचना को ज्ञान समझती है, ध्यान दीजिएगा, सूचना को ज्ञान समझती है, एकदम एनसीईआरटी पैटर्न पूरा है। और आपको पता है ये पूरा पढ़ने के बाद आप देखेंगे सीटेट के पेपर में हूबहू लाइन मिलती जाएगी। तो सूचना को ज्ञान समझने लगे, इनकी रिपोर्ट में आया कि शिक्षा बिना बोझ क्यों। इस समिति ने इस बात की इंगित किया कि जो स्कूल है उसमें जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होता है, वो आनंदपूर्ण अनुभव नहीं हो सकता जब तक कि बच्चों के संबंध में हम अपनी समझ को ना बदल लें कि ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र और पाठ्यपुस्तकें ही परीक्षा का आधार है। माने ज्ञान, पाठ्यपुस्तक, जब तक यह आधार रहेंगे तब तक हम समाज में, हम बच्चों के कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे, हम उनको ज्ञान आनंद रूप से नहीं दे पाएंगे। इसलिए शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन की शुरुआत की रूपरेखा रखी गई, मोटी मोटी पाठ पुस्तकें उन्हें शामिल की गई, उन्हें बाहर लिखा गया, लेकिन फिर भी बच्चों को रटवाने से, उन्हें रटकर कंठस्थ करने का, इन सब विचारधाराओं से दूर ले जाने के लिए एनसीएफ 2005 की संकल्पना रखी गई। जबकि बच्चों को यांत्रिक तरीके से परखने जाने के लिए सीखने की प्रक्रिया से बच्चा होने का सुख छीन लेती थी, जानकारी प्रतिदिन के अनुभव से अलग कर देती थी, जो जानकारी होती थी वो उनके प्रतिदिन अनुभव से अलग होती जाती थी। इस गहन संरचनात्मक समस्या को निपटने के लिए मौजूदा दस्तावेज में लर्निंग विदाउट बर्डन की रूपरेखा को रखा। एनसीएफ 2005 के दस्तावेज पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों की रूपरेखा तैयार करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार शामिल विभिन्न शिक्षण को तर्कपूर्ण चुनाव करने का निर्णय रखा गया और यह भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन था। अगर हम भारत में स्वतंत्रता के समय देखें तो जब भारत स्वतंत्र हो गया, अगर यहां पर हम देखें आजादी के बाद भारत, अगर हम आज़ादी के बाद भारत देखते हैं तो राष्ट्रीय आयोगों द्वारा मुखारित किए गए थे से माध्यमिक शिक्षा आयोग, आपने पढ़ा होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग ये कब आया, 1952 से 1953 के बीच है। फिर शिक्षा आयोग, केवल शिक्षा आयोग की बात करें, अगर शिक्षा आयोग जो था वो 1964 से 1966 तक आई। इन दोनों आयोगों ने बदले हुए सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में राष्ट्रीय विकास पर विशेष बल देते हुए महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से उभरे हुए मुख्य बिंदुओं को विस्तार दिया। फिर हम आगे देखेंगे कि 1976 में, फिर 1976 में आगे बढ़ता है समय, 1976 1976 में
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार था, लेकिन इसके अंतर्गत उनके अधिकार क्षेत्र में पाठ्यचर्या भी आती थी। क्या आती थी? पाठ्यचर्या भी आती थी। केंद्र लेवल पर नीतिगत मुद्दों पर राज्यों का मार्गदर्शन होता रहा, लेकिन इसी के आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, हर एक तथ्य को हम बताएंगे। आप ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और इलेनी पर दुर्गेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। जैसे 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीईआरटी, अच्छा ये लिख दे पहले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो 1968 और एनसीईआरटी, जिसे हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1975 मतलब यहाँ पे दो बातें रुझे जैसे दिखा दे तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और एनसीईआरटी 1975, माने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1975 में पाठ्यचर्या रूपरेखा रचना की गई। पाठ्यचर्या की रूपरेखा की रचना की गई, लेकिन 1976 में, लेकिन आगे चलकर एक साल के बाद 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा के उत्तरदायित्व को, माने शिक्षा अब किसमें आ गया, अब समवर्ती सूची में आ गया, अब किसमें आ गया, समवर्ती सूची में आया, और पहली बार 1986 में शिक्षा पर पूरे देश की एक राष्ट्रीय नीति बनी। फिर वहीं 1986 में पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। अभी आगे इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सिफारिश की कि पूरे देश की स्कूली पाठ्यचर्या के मूल रूप में एक कॉमन कोर हो, एक सर्वमान्य तत्व हो। इस नीति ने एनसीईआरटी को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने, उस पर रूपरेखा समय समय पर समीक्षा करने का दायित्व तो समझा। इसके ऊपर एनसीईआरटी को ऊपर किसने सौंपा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सौंपा। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद कुछ और तथ्य हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तब। आइए देखिए, अब इसके आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो 1975 के बाद अगर हम 1970 बात देखें, 1975 के बाद जो पाठ्यचर्या संबंधित कार्य को जारी रखते हुए एनसीईआरटी ने कुछ अध्ययन किए और परामर्श दिए गए, और अपनी गतिविधियों के एक भाग के रूप में 1984 में पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई, और आगे चलकर 1984 में इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई। इस सारी गतिविधि का जो एक उद्देश्य था कि पूरे देश में गुणवत्ता के स्तर पर स्कूली शिक्षा को तुलनीय अर्थात लगभग समय के साथ देश की विविधता पर समझौता न करते हुए शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का माध्यम, बनाया जाए। ऐसे ही अनुभव पर आधारित परिषद के कार्य अंततः परिणाम हुई और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1988 के रूप में, फिर यहीं पर NCF 1988 के रूप में सामने आई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 के रूप में सामने आई। जो रूपरेखा का परिणाम यह हुआ कि पाठ्यचर्या का बोझ बढ़ गया, स्कूली पढ़ाई मस्तिष्क पर तनाव का स्रोत बन गई। फिर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने लर्निंग विदाउट बर्डन, अभी हमने आपको बताया था लर्निंग
लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन माने लर्निंग विदाउट बर्डन का तात्पर्य यहाँ पे हुआ शिक्षा बिना बोझ के। 1933 के जो इस पहलू को स्पष्ट करता, मतलब ये जो प्रोफेसर यशपाल की समिति थी इन्होंने फिर ये बताया कि शिक्षा जो है वो बिना बोझ की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उस पर किसी प्रकार का कोई बोझ ना हो। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक की जो रूपरेखा था उसमें बड़ा परिवर्तन इन्होंने मान। अब आते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा क्या है उसके बारे में हम लोग एक आराम से अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ प्रमुख की पॉइंट है, आप उसे लिख लीजिए। सबसे पहले तो आगे देखते हैं हम लोग जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है एनसीए 2005, इसका जो सूत्र है क्या था? एक सूत्र ये था लर्निंग विदाउट बर्डन, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर एनसीए 2005 हेतु गठित समिति ने पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया। पाठ्यक्रम जो हो वो कैसा हो? अधिक व्यवहारिक हो। एनसीए 2005 के दस्तावेज के माध्यम से शिक्षा को रटन पद्धति से दूर किया जाए, परीक्षा की कक्षा की गतिविधि को जोड़ते हुए अधिक लचीला बनाया जाए, प्राप्त ज्ञान को कक्षा से बाहर की दुनिया में जोड़ा जाए, राष्ट्रीय राज व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, केवल पाठ्यक्रम को ही केंद्र बिंदु न मानकर बच्चों को बहुमुखी विकास के भी अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो ये सभी एनसीए 2005 के परिचय के रूप में था, जिसकी वजह से एनसीए 2005 का एक तरह से जन्म हुआ और इसका एक उद्देश्य में से भी एक था। अब हम लोग इसके और आगे पढ़ते हैं और अन्य तथ्यों को भी इस पे देखेंगे। वीडियो बेशक बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको पहले कहा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है वो है क्या वास्तव। अभी तो हम लोगों ने एनसीए 2005 का परिचय पढ़ा था, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है वो क्या है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मतलब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश के जो बावजूद यह अपने वास्तविक दशा व मूल्य को पहचान नहीं पाई। स्कूल शिक्षा उन परीक्षा द्वारा अधिक प्रचलित होती चली गई जो महज जानकारी से भरी पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होती थी। फिर आगे चलकर 2000 में पाठचर्या की रूपरेखा की समीक्षा के बाद पाठचर्या और परीक्षाओं में तानाशाही को विवादास्पद मुद्दे हल किए। मैंने पहले तो पाठ्यपुस्तक पर बल दिया गया, लेकिन आगे जो जो हम लोग बढ़ते गए तो इन मुद्दों पर भी पर्दा उठता गया और परीक्षा पाठचर्या की तानाशाही को विवादास्पद जो मुद्दा था उसका भी हल निकला। वर्तमान समीक्षा इन क्षेत्र में हुए, जो अगर वर्तमान में देखा जाए तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिवर्तनों पर ध्यान देती है। नए सदी की मोड़ पर स्कूली शिक्षा की भावी आवश्यकताओं को संबोधित करने का प्रयास करती है। इस प्रयास में अनेक संबंधित आयाम को ध्यान, जैसे शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ठीक, शिक्षा का लक्ष्य क्या है, बच्चों का सामाजिक परिपेक्ष क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है, मानव विकास की प्रकृति, मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया, मतलब इन सभी आयामों को ध्यान रखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को प्रायः गलत समझा गया, मतलब ये रूपता लाने के लिए दस्तावेज है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने स्पष्ट किया कि इसके उद्देश्य ठीक विपरीत। एनपी राष्ट्रीय पाठ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह नवीन पाठचर्या की रूपरेखा को प्रस्तावित की ताकि वह ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विकास का जरिया बने जहां सामर्थ्य भारत का जो बालक है उसके मन में ये पाठ्यक्रमों का बोझ, किताबों का बोझ, याद करने का बर्डन, परीक्षाओं का डर, इन सभी को खत्म करना होगा। अब 14 वर्ष तक के जो बालक थे इनकी सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक रूप से इन्हें स्कूलों में टिकाऊ रखने, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार के लिए बाल केंद्रित उपागम पर विचार किया गया था। इस प्रकार राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह व्यवस्था को आधुनिक बनाने में एक सराहनीय कदम निकालते। अब हम लोग एक छोटी से और आगे तथ्य पढ़ेंगे। मैंने यहां से हम लोगों ने बस इतना देखा कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है पहले यह गलत समझा गया, लेकिन बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, फिर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000 के बाद धीरे धीरे यह जब सामने आती गई तो इनके महत्व को भी एक एक करके समझा जाने लगा। अगर हम यहाँ पे कुछ अन्य तथ्यों और नोट्स की भी चर्चा करें तो यहाँ पे एक मिनट हम आपको दिखा दें पहले। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम एनसीएफ 2005 की जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, अगर हम उस सिद्धांत की चर्चा करें तो हम ये पाते हैं किसके पांच मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। कितने? पांच मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अगर हम पांचों को ध्यान से पढ़े तो वो क्रम से इस प्रकार निकलते हैं। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन जोड़ना, स्कूल के बाहर के जीवन से, स्कूल को बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, पहला मैं बोल रहा हूं सुनते चलेगा, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन जोड़ना, दूसरा पढ़ाई को रटन से मुक्त करना, रटन प्रणाली से मुक्त करना, जो रटन प्रणाली होती है, रटन प्रणाली से मुक्त करना, मुक्त करना। फिर तीसरा पॉइंट है आपका कि जो पाठचर्या होती है ये बच्चों के चौमुखी विकास के अवसर बन उपलब्ध कराएं, इसके लिए पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर न रहे, माने पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक ज्ञान का केंद्र है, पाठ्यपुस्तक ज्ञान का केंद्र न रहे, पाठ्यपुस्तक ज्ञान का केंद्र न रहे। फिर अगला चौथा पॉइंट दिया गया कि परीक्षा लचीलापन, जो परीक्षा हो परीक्षा अधिक लचीला हो, अधिक लचीला हो, अधिक लचीला हो और उसे कक्षा की गतिविधि से जोड़ा जाए। कहाँ गतिविधि से? कक्षा की गतिविधि से जोड़ा जाए। फिर एक ऐसी पहचान करें स्वयं में कि प्रजातांत्रिक
राज्य व्यवस्था और राष्ट्रीय चिंता पर समाहित हो, माने लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का बालकों में क्या हो, विकास। ये पांच मार्गदर्शी सिद्धांत है। पहला भी लिखवा दे क्या, रुक जाइए, पहला भी लिख लीजिए आप लोग, पहला भी लिख लीजिएगा, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। मान ये पांच ऐसे इसके मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान जो है स्कूल के बाहर के जीवन जोड़ना, माने जो पढ़ाई हो, जो कक्षा में क्लासेस चले, पाठ्य पुस्तक को भी कक्षा के बाहर से जोड़ना, रटन प्रणाली से मुक्त हो, याद न करना हो, बच्चा रट्टा न मारे, बच्चा कंठस्थ न करे, उसके अंदर यांत्रिकरण का विकास न किया जाए, पाठ्यपुस्तक जो है उसे ज्ञान का केंद्र न बनाया जाए, गतिविधियों को सम्मिलित किया जाए, ऐसा ना हो कि बच्चों के जो पाठ्यचर्या का संवर्धन, बच्चों की चौमुखी विकास का अवसर मुहैया कराने के बजाय उसे किताबों तक उलझा दिया जाए, परीक्षा का जो उद्देश्य हो वो बच्चों को पास फेल करने का ना हो, वो अपेक्षाकृत अधिक लचीला हो, कक्षा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ हो और बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करे, उनके अंदर राष्ट्रीय चिंता का समाहित करे, इन सभी बातों को ध्यान रखें। इस प्रकार हम लोगों ने यहां तक एनसीएफ 2005 के प्रमुख तथ्यों को पढ़ लिया। अब हम इसके अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं जो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से है। वो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्वर्ड मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी बी दुर्गेश, फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर इलेनी बी दुर्गेश से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं ताकि यहाँ से कभी आपके परीक्षा में जो प्रश्न आए कभी गलत ना हो, और आप चाहेंगे कि इस तरह के प्रश्न कभी आपके भी गलत ना हो। प्रमुख नोट्स जो है, नोट्स के आधार पर इन तथ्यों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए आप लोग सभी लोग। सीआरटी के प्रमुख महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है एनसीएफ 2005 से जुड़े हुए, उन सभी तथ्यों को करके क्रमवार रूप से पढ़ेंगे और ये तथ्य आपके परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमने आपको प्रारंभ में बताया। वीडियो का पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग एक एक करके कदम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से सीटेट के सभी जो अंक आपके हैं उन अंकों पर अपनी पूरी पूरी पकड़ बनाते हैं ताकि यहाँ से भी एक भी अंक आपके बाहर ना जाने पाए। तो ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, जहाँ से सीटेट में 30 से 35 प्रश्न प्रतिवर्ष फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिलाकर आता है। जब 30 से 35 प्रश्नों की सीरीज यहाँ से पूछी जाती है तो यहाँ से हमें गलती नहीं करना है। इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, इलेनी भी दुर्गेश जुड़िएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, मतलब हर एक जगह इलेनी भी दुर्गेश पे आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो अब हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना एवं गतिविधियों के बारे में एक एक करके दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हम और आप सभी मिलकर शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उस पर देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे शिक्षक अपनी शिक्षण गतिविधियों की योजना इस आधार पर बनाते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये बात कहें तो हमने से प्रत्येक के दिमाग में सीखने की जो प्रक्रिया का एक मॉडल है, हमारे से प्रत्येक, हम जितने भी हैं सभी के पास सीखने की प्रक्रिया का एक मॉडल है। यह मॉडल
इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि दिमाग में ज्ञान कैसे विकसित होता है। मैंने ये बात बताने का स्पष्ट करना चाहता है कि दिमाग में ज्ञान कैसे विकसित होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है। शिक्षण एक सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, व्यावसायिक एवं जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण का सत्य उतना ही पुराना है जितना कि मानव। आइए अब आगे भी देखते हैं। अभी रुचिकर कम होगा क्योंकि आज प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए थोड़ा सा रुचिकर कम लगेगा। हमने यहाँ पे देखा कि शिक्षण को कुछ सीखने की सहायता प्रदान करना, शिक्षण में किसी को सीखने में सहायता प्रदान करना, माँ का अपने बच्चे को बार बार दोहरा कर कोई नया शब्द सिखाना या पढ़ाना शिक्षण है। किसी छात्र का दूसरे छात्र को सही ढंग से क्रिकेट की गेंद फेंकना सीख बताना, ये भी क्या है, शिक्षण है। जब हम अपनी किसी भी को कुछ ऐसा सीखने में सहायता करते हैं जिसे अपने आप नहीं कर सकता या उसे तेजी से या अप्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करता है, तब हम शिक्षण कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम शिक्षण कर रहे होते हैं। सीखा हुआ व्यवहार वांछित एवं उचित है। यह अवांछित अनुचित यह हमारे दृष्टिकोण और जीवन के मूल्यों पर निर्भर करता है। माने यह वांछित है, अवांछित है, उचित है, अनुचित है, यह दृष्टिकोण हमारे जीवन के मूल्यों पर निर्भर करता है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार का व्यवहार पढ़ाया या सिखाया जा सकता है। माने अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के जो व्यवहार है या तो पढ़ाए जा सकते हैं या तो सिखाए जा सकते हैं। यह बात आप लोग को भी विदित होगा या तो आपके जानकारी में जरूर होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा शिक्षण जानबूझकर अथवा शादी प्राय दी जाने वाली एक प्रक्रिया है। साथ शिक्षण अनजाने में अर्थात अनभिप्रेत भी हो सकता है। कक्षा में जब एक शिक्षक सुनिश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पढ़ाता है तब शिक्षण क्या होता है, सभी प्राय होता है। मतलब शिक्षण का पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि जो पढ़ा रहा है उसे बच्चों को सिखाना है, तो वह क्या होता है, शिक्षण का सभी प्राय होता है। लेकिन जब वो अनजाने में कोई काम करता है, बच्चे उसे सीख लेते हैं, तो उसे अनाभिप्रेत शिक्षण के नाम से जाना जाता है। क्या अभी तक इसके बारे में हम लोगों ने कई चीजें पढ़ा, कई चीजें जाना, अब आओ आगे भी पढ़ेंगे। विषय प्रवेश में अगर हम देखेंगे, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। अगर विद्यालय शिक्षा की बात करें, यह अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। ठीक है, दूसरी बात, मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में इसे देखा, नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में एनसीएफ 2005 को देखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने देखा कि यह अभी तक विद्यालय शिक्षा का अब तक का एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, अध्यापकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में इसे देखा है। अब इसके मार्गी सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के दस्तावेज का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के उद्धृत होता है, मास उद्धरण से होता है। इसमें कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, नासमझ वह संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत। देखिए, अगर मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में बात करें, तभी हमने इसके बारे में
पांच सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। कुछ देर पहले भी हम लोगों ने इसके पांच सिद्धांत पढ़े थे। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी दुनिया से जीवन से जोड़ना, परीक्षा या पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बालकों को आस्थावान किया जा सके, यह हमारा पांचवा था। यह क्या था? हमारा पांचवा था। इस प्रकार हम लोगों ने इसके मार्गदर्शक सिद्धांत को पढ़ लिया। यह पांचवा आप तैयार रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा गया है। कई बार मैंने आपको पहले बताया, यहां से 30 से 35 प्रश्न आपके आने हैं। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, बिना स्पेस के ई लर्निंग पे दुर्गेश से ज्वाइन कर लेंगे। यहां हमने देखा ज्ञान को स्कूल के बाहर दुनिया से जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से दूर रखना, पाठचर्या का पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बच्चों को बनाना। तो ये सभी प्रमुख ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत थे एनसीएफ 2005 के। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथी को, अपने मित्रों को। अब यहाँ पे प्रमुख सुझाव की बात, शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके शिक्षण सूत्र की बात करें तो क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, आदि का अधिकतम प्रयोग किया गया है। माने जो ज्ञान दिख रहा है उसे अज्ञानता की तरफ ले जाए, ये इसका मतलब नहीं होगा। इसका मतलब होगा जो दिखाई दे रहे हैं वस्तुएं, हमें उनकी गतिविधियों से एक ऐसे ज्ञान का सृजन करना है जो ज्ञान शेष रह जाए और वस्तु बाद में हट जाए, सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए, विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली को असफलता का प्रतीक है, मूल्यों की उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक अधिकार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। माने वह अपने एक अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात एक अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने अधिकारों, अपने मौलिक अधिकारों को, अपने मौलिक विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। अभिभावक को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आशंका रखना गलत है। माने यह भी अभिभावक को बताएं कि छोटे बच्चों से उन्हें कम उम्र में निपुण बनाने का सपना सजोए न, उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दें, ताकि वह अपने आप एक बेहतर भारत का निर्माण कर सके। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, आप चाहे तो और आगे बढ़ा जाए। यहां पर हम लोग देखेंगे बच्चों को स्कूल में बाहरी जीवन से जोड़ना, तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए, मैंने तनाव मुक्त उन्हें वातावरण प्रदान करना चाहिए, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, अर्थात जीवन कक्षागत वातावरण से उत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब अगर आपकी कक्षा में शांति है, इसका मतलब आपका कक्षा जीवन कक्षा नहीं है, आपकी कक्षा में शोर होना चाहिए और यह जीवन कक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, बच्चे खुलकर बोल सके, अच्छी गतिविधियों में बच्चों की अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, जब सबसे अच्छी गतिविधि हो उसमें अभिभावक को भी जोड़ा जाए, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना उत्पन्न हो। माने बच्चों के अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि उनके अंदर इस तरह की भावना न आए, उन्हें रिकॉर्ड बनाना, उन्हें रिकॉर्ड के लिए खेलना, उन्हें केवल केवल उनकी गतिविधियों से, कक्षा कक्ष से,
उनके अनुभव से जोड़ते रहना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बच्चा खुद धीरे धीरे सीखेगा, बच्चा क्या करेगा, खुद धीरे धीरे सीखेगा। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बच्चे जो अभिव्यक्ति देते हैं, जो बच्चे आपके सामने बोलते हैं, उनमें उनकी मातृभाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। जब पुस्तकालय में जाएं तो बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का पूरा पूरा मौका दें। ऐसा न करें आप उन पर अपने ज्ञान को, अपने इरादों को थोपें। ऐसा करने से आपको पूरी तरीके से बचना है। फिर हम देखेंगे सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। माने सजा की भावना, पुरस्कार की भावना सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के अनुभव स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों के जो अनुभव है और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को क्या की जाए, प्रदान किया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रशय दें। यानी जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो आप मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बताएं। शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि पर पहुंचाने, मतलब शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि पर पहुंचाएं। इस सब बातों का अगर आप ख्याल करते हैं तो सीटेट में ऐसे हुबहू लाइन आपके परीक्षा में आती। जितने ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, मातृभाषा में वो बोल सके, पुस्तकालय बच्चे किताब पुस्तक चुनने का मौका दिया जाए, सजा पुरस्कार की भावना उनके अंदर न आए, उनके अंदर अनुभव स्वर जो होते हैं को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्र शिक्षा प्रदान करें, उनके मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को कार्यक्रमों में आश्रय दे। इन सभी तथ्यों को आपको क्या करना है, इन 18 प्रमुख तथ्यों को याद रखना है। यह प्रत्येक लाइन आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें एक एक करके, ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर ले जाएं, सूचना को ज्ञान से बचें। विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबों को शिक्षा प्रणाली को असफलता का प्रतीक है। किताबों के बोझ से दूर करें, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित करें। अच्छे विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अच्छा विद्यार्थी वह जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। अभिभावकों को सख्त निर्देश दिया जाए, आदेश दिया जाए, संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में बच्चों से निपुण बनाने की आकांक्षा न रखें। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें, बोझिल वातावरण उन्हें न दें। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, जीवंत कक्षा वातावरण को प्रोत्साहित करें। सहसचिव गतिविधि में बच्चों के साथ बच्चे के अभिभावकों को भी सम्मिलित करें। समुदाय में मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होकर होने का अवसर दें। खेल का आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने तोड़ने की भावना न उनके अंदर आने दें। बच्चों को उनकी मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति उन्हें बोलने का अधिकार दें। शिक्षक उसका प्राय प्रयोग करें। पुस्तकालय बच्चों को स्वयं से किताबें चुनने का अवसर दें। सजा की व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करें। अनुभव के आधार पर प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कार्य करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रशन्न दें। ये सारा प्रमुख पॉइंट ऐसा था जो परीक्षा में बार बार हूबहू पूछा जाता है। अब आइए ज्ञान के निर्माण का सिद्धांत, ये बहुत ही उपयोगी और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इन पर भी एक बार चर्चा करते हैं। सीखना एक क्रियाशील और निर्मात्मक प्रक्रिया है। बालकों का ज्ञान निर्माण स्वयं करते हैं। कृतियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञान के निर्माण में बच्चों का मनोविकास भी होता है। कृतियों के माध्यम से बच्चों का मनोविकास, कोई भी क्रिया स्वयं करके ही करने से ही बच्चों का मनोविकास होता है।
वे माता पिता शिक्षक अथवा व्याख्या के माध्यम से ही सीखते हैं, पर स्वयं खोज निकाले गए ज्ञान से बच्चों को जैसा विकास होता है वह किसी दूसरे सिखाने से नहीं। इसलिए अगर बच्चे स्वयं गलती करके सीखते हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया ज्ञान न कभी भूलेगा न किसी दूसरे के द्वारा दिए गए ज्ञान की जैसा होगा। इसलिए बच्चों खुद से करके सीखने दें, गलतियाँ करके सीखने दें, लेकिन कभी उन्हें दंडित बोझिल ना अनुभव होने दें। ठीक है, अब यहाँ पे ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। ज्ञान का निर्माण भौतिक जैविक सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ। ज्ञान के निर्माण में जो शिक्षक की भूमिका होती है, बच्चों का स्कूल ही शिक्षकों का शिक्षा प्राप्त करने की भूमि है। स्कूल कॉलेज देश विदेश जाकर भी जो शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती वह शिक्षकों को अपनी शिक्षा बच्चों से प्राप्त हो सकती है। बस सीखने की इच्छा तथा विनम्रता होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है उसके शिक्षण अधिगम व्यूह रचना कैसी है। अगर शिक्षण व्यूह रचना की बात करें तो शिक्षक द्वारा की गई ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था जो विद्यालयों में उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। शिक्षण विधियाँ, एक अध्यापक के द्वारा अपने शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सरल बनाने के लिए काम ली जाने वाली तकनीकी शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। माने एक अध्यापक एक शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सरल बनाने के लिए काम में ले जाने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं, शिक्षण विधियाँ कहते हैं। कक्षा कक्ष में होने वाली अंतः प्रक्रिया इसमें भी आ जाती है। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। तो हमने ये देखा कि शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा संचालित वह प्रक्रिया है जिसमें स्वयं विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षण पद्धति शिक्षा प्रक्रिया गतिशील कार्य है। शिक्षण पद्धति बालकों तक विषय वस्तु पहुंचाने का एक साधन है। शिक्षण विधियां एक अध्यापक द्वारा अपने शिक्षकों शिक्षण को रोचक और प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए तकनीकी जो ली जाती है उसे शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। अगर शिक्षण विधि के प्रकार की व्याख्या करें तो पहला आपके मन में जो आएगा वो है शिक्षक केंद्रित विधियां। इसमें शिक्षक मुख्य होता है, बालक गौण होता है। इसमें शिक्षार्थी निष्क्रिय होता है, शिक्षक सक्रिय रहता है। इसमें विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर का ज्ञान ही दिया जा सकता है। प्रमुख शिक्षक केंद्रित विधियां हैं जैसे व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी विधि, व्याख्या प्रदर्शन विधि, ये सभी शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। इसमें शिक्षक तो सक्रिय रहता है किंतु बालक उसमें निष्क्रिय रहता है। शिक्षक केंद्रित विधियां कौन सी है तो व्याख्या विधि, पाठ्यपुस्तक, कहानी, व्याख्या प्रदर्शन, ये सभी शिक्षण केंद्रित विधियां हैं। शिक्षक केंद्रित मतलब इसमें शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन जो बालक है वो निष्क्रिय रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब आएंगे बाल केंद्रित विधियां देखते हैं, यही परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो विधियां बालक की रुचि, क्षमता, आयु, योग्यता, मनोदशा के अनुसार होती है उसे बाल केंद्रित विधियां कहते हैं। इनमें शिक्षण का केंद्र बालक होता है। इनमें जो शिक्षण का केंद्र होता है वो कौन होता है, बालक होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन होता है, बालक। अच्छी शिक्षण पद्धति की विशेषता क्या क्या होती है, जैसे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अनुरूप प्रयुक्त हो, सीखने के नियमों पर आधारित हो, विषय के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हो। ये अच्छी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं।
अगर आप चाहें तो इन्हें स्क्रीनशॉट के रूप में अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ये परीक्षाओं में बार बार आपके काम आएंगे, जिससे समय पर श्रम धन का उचित प्रयोग होता है, जिससे शिक्षण शिक्षार्थी दोनों की भागीदारी हो, जो रोचक हो, शिक्षा केंद्रित हो, मतलब बाल केंद्रित हो, शिक्षण पद्धति में संप्रेषण कौशल, मानव स्वास्थ्य कौशल, नेतृत्व कौशल, सामग्री स्रोतों, आम मानवीय संसाधनों, कला आदि इसमें क्या होती है, निहित होती है। ठीक है, तो यह था हमारी प्रमुख शिक्षण युक्तियां, आधार पर हमारी शिक्षण विधियां। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो हमसे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एनसीएफ 2005 को एक विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास किया। हो सकता है आप वीडियो आपको थोड़ी बोरिंग लगी हो, लेकिन आपको पता है अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो आपको सभी तथ्यों को पूरे मनोयोग के साथ अच्छी तरीके से पढ़ना था, ताकि आप पाठ्यचर्या को पूरी अच्छी तरीके से समझ सकें, अच्छी तरीके से जान सकें और इसके उद्देश्य को पूरी तरह से पूर्ति कर सकें। अब इसके एक अन्य तथ्य को, एक अन्य टॉपिक के रूप में दोबारा मैं एनसीएफ 2005 को पढ़ाएंगे, जहाँ पर इसके केवल प्रमुख तथ्यों को ही पढ़ेंगे, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा। वो वीडियो भी जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो वीडियो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध होगा, जहाँ पे टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के, आपके सामने लेने भी दुर्गेश आएगा, उसे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे। फेसबुक पेज लेने भी दुर्गेश, इंस्टाग्राम लेने भी दुर्गेश, ट्विटर लेने भी दुर्गेश और यूट्यूब भी लेने भी दुर्गेश, हमारा एप्लीकेशन ही लेने भी दुर्गेश, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, क्योंकि सभी नोट्स भी एनसीईआरटी पैटर्न के नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध है, जो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं सभी नोट्स। औसिच्छक भर्ती लिखित परीक्षा, यूपीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, एमपीटेट, रेट, अन्य राज्य के टेट जैसे उत्तराखंड टेट, पंजाब टेट, पंजाब से नहीं हरियाणा टेट, जहाँ हिंदी भाषी राज्य, उन सभी के नोट्स भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध हो जाएंगे। हमारी ऑफलाइन क्लास जौनपुर जनपद से संचालित होती है। इस प्रकार हम लोगों ने एनसीएफ 2005 से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों को पढ़ लिया, बहुत सारे तथ्यों को समझ लिया। तो आप कमेंट करके जरा बताइएगा, प्रश्न लिखना चाहे लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या क्या था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है, या किस सिद्धांत पर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 किस सिद्धांत पर है, रचनावादी, उसमें बता दे रहा हूं आपको, रचनावाद के सिद्धांत पर है, रचनावाद के सिद्धांत पर है। तो इस तरह से आप लोग को परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, जैसे एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा में 25% प्रश्न कैसे होने चाहिए, 25 से 40% प्रश्न जो होते हैं वे लघु उत्तरी प्रश्न होने चाहिए, इस तरह जो प्रश्नों को बांटा गया है उन सभी को एक एक करके हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ तो नहीं, लेकिन आगे हम लोग ये प्रयास करेंगे एनसीएफ 2005 से सभी तथ्य को पढ़ें, कोई भी तथ्य हमारा छूटने ना पाए, और हम उस तथ्य को वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। आप लोग इलेनी भी दुर्गे से जुड़े रहेगा, ये वीडियो अपने साथियों तक पहुँचाइएगा, वीडियो साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।